नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपनू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और हर क्षेत्र में अपने स्तर से कानून काम करेगा। भ्रष्टाचार को लेकर हमने एक और नंबर लॉन्च किया है, 1064 पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से काम कर रहा है। सीएम धामी ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं आती हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि जो कानून है वो अपना काम हर क्षेत्र में अपने तरीके से होगा, उस पर कानून अपनी पूरी कार्रवाई करेगा, उस पर किसी की कोई रुकावट नहीं होगी, कानून को पूरा रास्ता मिलेगा। और भ्रष्टाचार को लेकर हमने जो एक ऐप और एक नंबर जो लॉन्च किया है 1064, उसको हम पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर प्रभावी रूप से उसको काम करने के लिए और प्रभावी रूप से वो काम करे उसके लिए हर उपक्रम कर रहे हैं और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से। गर्मियों में पानी का संकट ना हो इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को दो टूक निर्देश दिए हैं और कहा है कि गर्मियों में ही असल चुनौती है, इससे निपटने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम करने होंगे जिससे कि प्रदेश की जनता को परेशानी ना हो। सचिवालय में मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने कहा इसके लिए उपलब्ध साधनों के साथ ही शीघ्र ही प्रत्येक जनपद को दो दो वाटर टैंकर उपलब्ध कराए जाए। गर्मियों में पेयजल समस्या का समाधान एक बड़ी चुनौती है, इसके लिए जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में ठोस कार्य योजना बनाई जाए। इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में भी कार्य किए जाएं। पेयजल लाइनों के माध्यम से आपूर्ति और साथ में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन है, उस जल जीवन मिशन का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। हर जगह पर जो है, जहाँ पर हमारे पाइपलाइनें लग गई हैं, टोटियाँ लग गई हैं, वहाँ पर पानी की सप्लाई नियमित रूप से हो, सुचारू रूप से हो और साथ में जल्दी से जल्दी जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो और 2023 तक हम इस लक्ष्य को पूरा करें, इसके लिए हमने सभी बैठक की है। हमारे कुछ कॉन्ट्रेक्टरों की भी कुछ प्रॉब्लम आई है, उसको लेकर भी हमने बात की है। जल्दी हम अपनी मंत्रिमंडल की समिति में उसको जो है उसको सॉर्ट आउट करेंगे और हमने कहा है कि कहीं पर भी जो कि यात्रा रूट पर भी इस समय पानी की बहुत आवश्यकता है, वहाँ पर यात्रा की सुचारू रूप से व्यवस्था हो और जो जल स्रोत हमारे सूख रहे हैं, गधेरे, नौले, छोटे छोटे स्रोत, उन स्रोतों को रिचार्ज करने के लिए और हार्वेस्ट। बिजली की स्थिति पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस मामले को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, हमने कल भी बात की है और हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो परेशानी आ रही है उसका जल्द ही कोई सही रास्ता निकाल लिया जाएगा। सीएम धामी ने इसके लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की है। नहीं, उसको लेकर हमने कल भी बात की है और हम लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं और जो भी अच्छा रास्ता होगा, अच्छा रास्ता हम लोग करने के लिए हमारी लगातार समीक्षा जारी है कि जो प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, उसके बारे में उसका समाधान निकाला जाए। ऐसा करके कल हमने जो हमारे ऊर्जा विभाग के अधिकारीगण हैं और ऊर्जा अधिकारीगण हैं सभी ने हमने चर्चा की, जल्दी हम उसका रास्ता निकालेंगे। जल रहा है, मंत्री नहीं है, अधिकारी छुट्टी पर है, हर बार यही स्थिति आती है। नहीं, कल उस पर भी हमने चर्चा करी है और उसके लिए भी जो है जो जरूरी इंतजाम है। निजी दौरे पर पर्यटन नगरी मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में चीनी मिलों को अति आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर पशुपालन के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं और पूर्व में भी भाजपा सरकार द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर पलायन रोकने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है, मत्स्य पालन क्षेत्र में भी 6 जिलों में कार्य किया जा रहा है। मेरे पास जो विभाग है, चाहे वो पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, दुग्ध उत्पाद हो, ये सारे ऐसे विभाग हैं जिनसे हम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक, पर्वतीय क्षेत्रों तक
हमारी जो मातृशक्ति उनको सशक्त भी बना सकते हैं और युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। मैंने जब पहले ही अपनी रिव्यू बैठक ली अधिकारियों के साथ, जब मुझे मंत्रालय मिला, तो उसमें हमारे मंत्रालय के द्वारा पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है पशुपालन को लेके, मत्स्य पालन को लेके, दुग्ध उत्पाद को लेके। और आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि 6 पर्वतीय जिले ऐसे हैं जिसमें हम मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं, हिमालयन ट्राउट के हम लोग फार्मिंग करा रहे हैं। और उन लगभग 17-18 में हमारी जो ट्राउट फार्मिंग की उत्पादन था वो लगभग 30 टन था। आज के दिन हम उसको 300 टन तक ले गए हैं और 2025 तक हमारा टारगेट है उसको 5000 टन तक पहुँचाने का। 1800 रुपये किलो पे वो फिश यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, दिल्ली मुंबई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वो ट्राउट फार्मिंग में जुड़े हुए हैं, उनको रोज़गार भी मिल रहा है और उनकी आमदनी भी अच्छी हो रही है। उसी तरीके से जब आप पशुपालन में जाते हैं तो हमारे मुर्गी पालन एक बहुत बड़ा हिट हुआ है। पिथौरागढ़ ज़िला अगर आप देखेंगे तो पूरा मुर्गी पालन पर ही सस्टेन कर रहा है। हमने जो SC ST हैं हमारे समाज के लोग, उनको हम 50 मुर्गी बच्चे फ्री देते हैं ताकि वो अपना काम चला सकें। उसी तरीके से हम गाय पे सब्सिडी है, बकरी पालन पे हम सबसे सरकारी चीनी मिले हैं, उनको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें और उनको मॉडर्नाइजेशन की ओर ले जा सकें। देखिए, जो रिकवरी है, सरकार का लॉस तभी होगा जब आप रिकवरी नहीं कर सकते। प्राइवेट चीनी मिल जहाँ पे 12.5% की रिकवरी कर रहे हैं, हम वहाँ पे लगभग 9.5-10% के आसपास रिकवरी है। कुछ चीनी मिल 10% तक पहुँच गए हैं, कुछ में हम 8.5-9% तक ही सीमित हैं। तो वो हमारी प्राथमिकता है कि मॉडर्नाइजेशन की ओर चीनी मिलों को ले जाएं। ये कहना कि सितार आज की चीनी मिल में जो चीनी जो विभाग के गन्ना किसान हैं वो बहुत ही त्रस्त हैं, ये गलत इसलिए कहेंगे क्योंकि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चीनी मिल में चीनी गन्ना किसानों का और जो पेमेंट है गन्ना किसानों का वो लगभग टाइम पे किया। इस बार भी हमारा 500 करोड़ की देनदारी थी, उसमें से लगभग 225 करोड़ रुपये हम देनदारी चुका चुके हैं। 50 करोड़ की देनदारी हम अगले 5-7 दिन में चुकाने जा रहे हैं। और मेरी संधू जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे वार्ता भी हुई है कि अगर हमको वित्त विभाग 200 करोड़ की एक किस्त एक मुझ दे देता है तो जो 210 करोड़ के आसपास का बैलेंस बचेगा 50 करोड़ निपटाने के बाद, उसको भी हम एकमुश में कर देंगे और लोगों को, किसानों को दे देंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मेला पौड़ी के नगर पालिका बारातघर में लगाया गया। स्वास्थ्य मेले का विधिवत शुभारंभ पौड़ी विधायक ने किया। पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी यहां पर पहुंचे। विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया, साथ ही विधायक ने स्वास्थ्य विभाग की फिटनेस गाइड पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत सभी ब्लॉकों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के न्याय पंचायत स्तर पर इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जो ये इस समय जो अमृत महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर जो शिविर आयोजित किया गया है, इसमें मनसा साफ है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, आम जनमानस तक उसकी जानकारी हो, इसलिए इस तरह के शिविर आयोजित किए गए हैं। और ज़िले में सीएम महोत्सव के माध्यम से तीनों ब्लॉकों में, चारों सभी ब्लॉकों में जो है इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। आज मुझे इसके बाद दिल्ली चौड़ी कोट ब्लॉक में और धंजार में जाना है, जो मेरे विधानसभा के अंदर करते हैं। सर आप देखिए, हमारा जो देश है आज़ादी का ये 75 साल मना रहे हैं हम लोग, तो इसी उपलक्ष्य में इसको हमने जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है और इसी के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जा रहे हैं। जो पूरे जो है जितने भी विकास खंड हैं हमारे 15 के 15 ब्लॉक के लिए 18 से 22 तारीख के मध्य जो है संचालित किए जा रहे हैं। और जितनी भी हमारी स्वास्थ्य विभाग की योजनाएँ हैं, क्योंकि कोई भी योजना का फलीभूत हो पाती है यदि जो इसके जितने स्टेक होल्डर, जो सुविधा लेने वाले लोग हैं, यदि उनको जानकारी होगी तभी वो सुविधा प्राप्त कर पाएंगे। तो उन समस्त योजनाओं की जानकारी जो है जितने क्षेत्रवासी हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चार धाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब धाम के लिए ऋषिकेश के पंजीकरण ऋषिकेश में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि फिलहाल साधु संत जो हैं
फिलहाल साधु संत इस यात्रा के लिए जा रहे हैं। बद्री केदार जाने के लिए उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन कराकर पैदल ही यात्रा पर निकला जा रहा है। इसी के साथ चारधाम यात्रा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए पर्यटन विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चारधाम यात्रा के साथ ही श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा भी इस बार चरम पर चलेगी। ऐसी प्रत्येक वर्ग के व्यापारी को खासी उम्मीद है। सर 20-25 रजिस्ट्रेशन डेली हो रहे हैं और 16 से हमने स्टार्ट कर दिया था। ये लोग कौन लोग हैं? अधिकांशतः तो अभी हमारे बाबा लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और बाबा लोग तो हमारे ज़्यादातर बद्री केदार जाते हैं, और आधे हैं उनमें से जो लोग चारों धाम जाएंगे। तो जो जिस धाम के लिए जा रहे हैं उनके लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा भी हैं, जिन्हें शिवराज सिंह चौहान के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा काशीपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश के भतीजे घनेन्द्र सिंह गहलोत की शादी के प्रीति भोज में आ रहे थे। जैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रीति भोज प्रोग्राम के लिए निकले, वैसे ही अचानक प्रीति भोज में जाने वाली सीढ़ियों पर बुलडोजर मामा फिसल कर गिर पड़े, और बुलडोजर मामा ऐसे गिरे कि संभल ही नहीं पाए। बुलडोजर मामा के फिसलने के बाद कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया, और आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें उठाया और आगे के लिए रवाना हुए। उधर जनपद अल्मोड़ा में आबकारी विभाग राजस्व के लिए अपने लक्ष्य को पाने की कवायद में लगातार जुटा हुआ है। जनपद का इस वर्ष का जो लक्ष्य है वो 144 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष विभाग सिर्फ 130 करोड़ ही राजस्व जुटा पाया है, जबकि पिछले साल 134 करोड़ में से 131 करोड़ अर्जित हो गया था। वहीं जनपद में अभी तक 7 मदिरा की दुकान लेने को अनुज्ञापति तैयार नहीं है, जिसके चलते सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष का जनपद अल्मोड़ा का जो टारगेट दिया गया था 134 करोड़ दिया गया था, जिसके सापेक्ष केवल 131 करोड़ में व्यवस्थापित राजस्व हुआ था, और 7 दुकानें देसी मदिरा की जो है वो व्यवस्थापित नहीं हो पाई थी पूरे वर्ष में जो है। इस बार का वित्तीय वर्ष का टारगेट जो है हमारा 134 करोड़ है, जिसके सापेक्ष अभी भी वही 7 दुकानें देसी की बची हुई हैं जिनका व्यवस्थापन नहीं हो पाया है। एक दुकान इस वित्तीय वर्ष में कैंसिल करी थी वित्तीय वर्ष 21-22 में, उसका भी अभी तक पुनर्व्यवस्थापन नहीं हो पाया है, और 2022-23 का 144 करोड़ के सापेक्ष 130 करोड़ के आसपास जो है राजस्व व्यवस्थापित है। बाकी दुकानों के व्यवस्थापन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो जैसे उनका पूरे ज़िले में 31 विदेशी मदिरा की दुकान है और 26 जो है देसी मदिरा की दुकान है, जिसमें से 8 देसी मदिरा की दुकानें अभी तक व्यवस्थापित नहीं हो पाई। ये 10 करोड़ के आसपास अभी व्यवस्थापन होना शेष है जो है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग गेहूं के उठान में लगातार देरी कर रहा है। विभाग ने अभी तक 2000 क्विंटल गेहूं का उठान नहीं किया है। भारतीय खाद्य निगम ने कहा कि 25 अप्रैल तक गेहूं का उठान नहीं किया गया तो वह आवंटन रद्द कर देगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि गेहूं का उत्पादन जरूरत से कम होता है। हल्द्वानी क्षेत्र पे खाद्य विभाग का एक कांटा लगा हुआ है, सहकारिता का 5 कांटे लगे हुए हैं, और गेहूं अभी कुछ कांटों में तो आना शुरू हो गया, जैसे कि बिंदु खत्ता चोरगलिया वहाँ पहुँचा हुआ है गेहूं, और मार्केट रेट अधिक होने के कारण ये गेहूं नहीं आ पा रहा है। मार्केट रेट अधिक है इस समय, क्योंकि किसानों को तो हमारा 2015 रुपया समर्थन मूल्य है और 2150-2100 रुपया बाजार भाव चल रहा है इस समय। ये पता नहीं अब मार्केट में गेहूं की उछाल क्यों है, ये इसके संबंध में तो इतना पता नहीं है। 31 मार्च तक हमें अप्रैल का गेहूं उठाना था, 31 मार्च में गेहूं उपलब्ध ना होने के कारण अप्रैल माह का गेहूं 21-4 तक हमें उठाना है, और इस पीरियड में FCI में लगातार रैकें लग रही हैं, जिसके कारण से गेहूं उपलब्ध होने में जो है परेशानी हो रही है। आज और कल
दो दिन रेग लगी हुई है और आज हमारे ट्रक वहां गए हैं और गेहूं। नैनीताल जिले के अंदर मलिन बस्तियों के होने वाले सर्वे को लेकर आज डीएम नैनीताल धीरज गर्बयाल ने हल्द्वानी नगर निगम, नैनीताल नगर पालिका, कालाढूंगी नगर पंचायत और लालकुआ नगर पालिका के सभी अधिकारियों के साथ कैंप कार्यालय में एक आवश्यक बैठक की। तो वहीं उन्होंने सभी को ये निर्देश भी दिए हैं कि मलिन बस्तियों के सर्वे 2 से 3 दिन के अंदर शुरू कर दिए जाएं, जिससे कि रिपोर्ट जल्द से जल्द उन्हें मिल सके। नहीं, ये तो सर्वे काम हमारा शुरू होना है और इनकी टीमें सारे लोकल बॉडीज में बन चुकी है, नगर निगम में भी बनी है, तो इसमें सर्वे का काम अब 2-3 दिन के बाद ही लोग अपना स्टार्ट कर देंगे और जिला स्तरीय समिति जो निर्णय लेगी उसके बाद वो शासन को 15 मई तक हम लोगों ने रिपोर्ट देनी है। नहीं, ये बात आ रही है लेकिन हमें सारे पहलुओं को ध्यान में रखना है, क्योंकि जिस चीज़ पे निर्णय ऑलरेडी हो चुका है रेलवे की ज़मीन पे, जब ऑलरेडी निर्णय हो गया है और इसमें विचाराधीन भी है तो उस पर हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसी के तहत ही हम लोग कार्रवाई। हल्द्वानी में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट को नशे के कारोबार पर बड़ी कामयाबी मिली है। एसएसपी पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि 2 अलग-अलग मामलों में पुलिस ने नशे के इंजेक्शन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं हल्द्वानी एसओजी और टीपी नगर पुलिस के द्वारा 103 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अब पुलिस इनका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। इससे पूर्व भी यह हल्द्वानी शहर में स्मैक की तस्करी कर चुके हैं। मैं एक राजेश और गिरीश बाबू, जो दोनों बाप बेटे हैं, ये सुबह मोटरसाइकिल से हमारे जो बेल बाबा बैरियर है इसके पास पकड़े गए हैं। इनके पास से 129 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है और इसमें जो इनका ये खेतीबाड़ी का काम करते थे, एक पप्पू नाम का मिलकर रहने वाला जो व्यक्ति था उसके द्वारा जो है इनको बेची जाती थी और ये हल्द्वानी के कॉलेजों में बच्चों को जो है बेचने के फिराक में रहते थे। ये 13 लाख करीब की जो है स्मैक है और 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा इस टीम को मेरे द्वारा की गई। अगर देखा जाए तो विगत 2 माह में 1.5 किलो से ऊपर स्मैक पकड़ी जा चुकी है और ये छोटे इस पे नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले भी जो 2 बड़े केस हुए उनमें 500-500 ग्राम पकड़ी गई है और पुलिस इसमें बड़े टारगेटों पे ही कार्रवाई कर रही है। ये 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं पुलिस द्वारा बनफुलपुरा में, इसमें इनके द्वारा 400 नशे के इंजेक्शन साथ में मिले हैं। इसमें एक जो मेन बात निकल के आई है कि ये लार्ज स्केल पे इंजेक्शन खरीदते थे और उनको जो है नवयुवकों और नवयुवतियों को बेचा करते थे भारी कीमत में। इसमें एविल के ज्यादातर इंजेक्शन है। मेरे द्वारा इस टीम को 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है, क्योंकि इसमें बहुत समय से आ रहा था कि नशे के इंजेक्शन बिक रहे हैं। इसमें इनके द्वारा जो है एक लई प्रूफ हलवा करके नाम आया है सामने, जो इनको नशे के इंजेक्शन सप्लाई किया करता था। ये कहाँ से लाता था अभी इसकी जाँच करनी है, क्योंकि अभी तक हलवा को हम नहीं पकड़ पाए हैं। ये अभी वांटेड चल रहा है और जब इसकी गिरफ्तारी होगी तो आगे का चेन हमें। नैनीताल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ की आशंका को लेकर बताया कि इस पर सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सीओ सिटी के नेतृत्व में टीमें गठित कर संभावित क्षेत्रों में LIU और पुलिस की साझा टीमों के माध्यम से गहन सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर पुलिस 24 घंटे मुस्तैद है और ऐसे क्षेत्रों में पुलिस प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिवार के सत्यापन की कार्रवाई करेगी। ये कोई टाइम बाउंड प्लान नहीं है, इसमें लार्ज स्केल पे होना है। इसमें सारे सर्किल ऑफिसर्स को प्रभारी बनाया गया है, वो अपने अपने सर्किल में अपने थानों की फोर्स के साथ LIO को सम्मिलित करते हुए ये सत्यापन करेंगे, क्योंकि ये पहले भी कई बार ये मामला संज्ञान में आया है और हाल फिलहाल में भी ये चीज़ें कई लोगों द्वारा बताई गई हैं। इसलिए ये वेरिफिकेशन मस्ट है कि 100% ये वेरिफिकेशन कराया जाए, इन सूचनाओं की पुष्टि आवश्यक। कप्तान साहब, अंतिम सवाल, 4 मानसिक विकृति के लोग और कुछ मानने वालों की, मतलब यहाँ इतनी संख्या हो चुकी है कि उनके जैसे भी माहौल यहाँ पे बिगड़ रहा है, तो उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें निश्चित रूप से प्रशासन के साथ मिलकर के आगे की रणनीति बनाई जाएगी और उनके माध्यम से ही इनको जो है आपका जो संबंधित विभाग है उनके माध्यम से इनको रिहैबिलिटेशन और या जो आवश्यक कार्रवाई होगी। सर, रोहिंग्या वाला तो मामला चला, घुसपैठ देखी है, मैं सुनू कह रहा है, तो उसमें किस टाइप से चलेगा? उसमें 100% सत्यापन के लिए टीम बनाई गई है।
लालकुआ के तराई पूर्वी डोली रेंज के जंगलों को आग से बचाने के लिए लालकुआ स्थित डोली रेंज कार्यालय में सब मास्टर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें आग लगने पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही वन क्षेत्र में आग लगने की घटना से लेकर आग बुझाने तक की जानकारी मिल सकेगी। वहीं कंट्रोल रूम में 24 घंटे वन कर्मी की तैनाती की गई है, जो पल पल की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजते हैं। वनाग्नि से बचने के लिए वन क्षेत्र डॉली के अंतर्गत हमारे द्वारा समस्त फायर लाइन पूर्व में ही काट दी गई है। कंट्रोल बर्निंग का कार्य किया जा चुका है और जहाँ जहाँ कहीं कहीं फायर ड्रिल के कार्य जंगल में जहाँ भी आग लगने की संभावना है, तो जो हमारे द्वारा तैनात वाचर तैनात किए गए हैं समस्त वन क्षेत्र में, उनके द्वारा फायर ड्रिल का कार्य किया जा रहा है। तो पूरी वन विभाग की टीम मुस्तैद है फायर से अग्नि के विरुद्ध। समस्त रेंजों के तौर इस रेंज में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, ताकि जहाँ से कि प्रत्येक बीट की सूचना फायर से संबंधित तापमान और आर्द्रता कितनी है, उसकी हर 3 घंटे में रिपोर्ट हमें हायर को भेजनी होती है, हायर ऑफिस को भेजनी होती है, जहाँ से सूचना संपादित होकर देहरादून चली जाती है। निश्चित तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति जंगल में आग लगाते हुए पाया जाएगा, तो उसके तहत वन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। और इसके अलावा हमारे द्वारा वनाग्नि से केस लोगों को जागरूक करने के लिए कई जगह मुनादी भी कराई गई हैं बीच में, और पंपेट्स भी बांटे गए हैं, और लोग जो जंगलों में अंदर बाहर लोग जाते हैं उनको भी जागरूक किया गया है कि वो बीड़ी माचिस लेके न जाएं जंगल की ओर, इससे आग लगने की संभावना है। इस तरह की वन विभाग की टीम जागरूक। उत्तराखंड के जंगल बीते कई हफ्तों से धधक रहे हैं। लाखों की वन संपदा अब तक जलकर राख हो चुकी है। बात श्रीनगर की करें तो श्रीनगर और श्रीकोट के जंगलों में भी आग ने अपना तांडव मचाया हुआ है। यहां जंगलों की आग तेजी के साथ फैलते हुए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज के पुरुष छात्रावास के पीछे तक पहुँच गई, जिससे छात्रों और कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मचारी पानी की बाल्टी के सहारे आग पर काबू पाते हुए नजर आए। तेजी से आवासीय बस्तियों की ओर फैलती वनाग्नि को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका। मेडिकल कॉलेज पहले से यहां पर संभावना थी यहां पर, कि वो पहाड़ के पीछे कल आज सुबह से यहां पर आग लगी हुई थी, धुआं उठ रहा था, तो तभी एक्टिवेट किया गया था। सभी छात्रों को हिदायत दी गई थी जो तैयार रहे, और यहाँ पे गार्ड्स जो है, गार्ड सुपरवाइजर, उनको भी बोला गया था, और इनको भी पुलिस विभाग को भी सतर्क किया गया था। कॉलेज में पत्र भी लिखा गया है कि कभी भी कॉल किया जाता तो तुरंत आ जाए। यहाँ पर फैकल्टी भी तैयार थी बुझाने के लिए। पहाड़ों में जहाँ काश्तकारों को अपनी खेती में सबसे ज्यादा नुकसान बंदरों और जंगली सुअरों से होता है, तो वहीं इस नुकसान के चलते खेतीहर किसान अपनी खेती छोड़कर पलायन करने को भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अप्रभागीय वन क्षेत्राधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग सर्वेश्वर दुबे की मुहिम से जहाँ खेती में कम नुकसान काश्तकारों को उठाना पड़ेगा, वहीं आमजन को भी इसका खूब फायदा मिल सकता है। दरअसल बद्रीनाथ रेंज के प्रभागीय वन क्षेत्राधिकारी सर्वेश दुबे के मुताबिक उनके द्वारा चमोली जनपद में उत्पाती बंदरों के द्वारा किसान की फसल को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर बार बार मिल रही थी, जिसकी शिकायत के बाद अब वन विभाग ने नजीबाबाद से बंदर पकड़ने के लिए टीम बुलाई है, जो जनपद के अलग अलग हिस्सों में बंदर पकड़ने का काम कर रही है। लोग इसी बात को लेकर प्लान करने के लिए तैयार हैं, तो विभाग के द्वारा कर कुछ ऐसा कदम उठाया। अभी बंदर पकड़ने की कार्रवाई हमने एक वहाँ नजीबाबाद भागोवाला से टीम बुलाई है, और वो लगातार 10 दिन हो गए बंदर पकड़ रही है। 75 एक बार 76 बंदर हम हरिद्वार उन्हें चुड़ियापुर में रेस्क्यू सेंटर छोड़ आए हैं, और अभी भी आज भी 76 बंदर हमने भेजे हैं, और लगातार उत्पाती बंदरों को पकड़ने के लिए हमारे मतलब प्रयास जारी है। और सुअरों के लिए भी हमने कुछ फौजी लोगों का रजिस्टर किया है अपने यहाँ कि वो मार सकते हैं, और प्रधान जी अगर हमें रिपोर्ट करते हैं कि साहब वो हमें हमारे यहाँ नुकसान कर रहे हैं, तो हमने 1 महीने के परमिट। लगातार जारी है इस क्षेत्र में, थराली क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर खेतीहर किसान इन उत्पाती जानवरों की वजह से अपनी खेती किसानी छोड़ने पर और पलायन करने पर मजबूर था, लेकिन अब यहाँ पर वन विभाग के द्वारा इन उत्पाती बंदरों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने नगर पालिका नैनीताल द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंगों का ठेका बिना टेंडर निकाले 20% बढ़ाकर दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। नगर पालिका 20% बढ़कर ठेकेदारों को ठेका दिए जाने का कोई नियमावली पेश ही नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हीं ठेकेदारों को दी गई पार्किंग के ठेकों पर अब रोक लगा दी है। ये मैटर था नगर पालिका का। नगर पालिका ने वृद्धि कर दी थी टोल प्लाजा, DSA पार्किंग, BD पांडे पार्किंग, 12 पत्थर पार्किंग, अंडा मार्केट पार्किंग पे 20% वृद्धि के साथ इनको एक साल का आगे बढ़ा दिया था कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी नियम कानून के। कोर्ट ने इनसे आज बोला था कि आज हमें नियम कानून दिखाए जिसके अंतर्गत उन्होंने ये एक साल की वृद्धि में इनको दिया था, और आज कोर्ट में वो नहीं दिखा पाए। नगर पालिका कोई नियम कानून नहीं दिखा पाई जिसके विरुद्ध उन्होंने आज स्टे कर दिया इस मामले में। और इसमें से DSA पार्किंग को हटा दिया गया, क्योंकि वे कॉमर्शियल कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखा था कि 20% वृद्धि नियम के अनुसार नहीं है और ये नहीं बढ़ाया जाए, तो उनका एक ऑर्डर आया, उन्होंने रिट डाली है, AO डाली है यहाँ कोर्ट में, जो बाद में सुनी जाएगी और जिसके अंतर्गत ऑर्डर किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल इसमें स्टे हो चुका है। 3 हफ्तों का टाइम दिया गया है काउंटर डालने के लिए प्राइवेट पार्टियों को। इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।